गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। इस मेरा नाम है सन कश्यप, ठीक है। आप आज है 20 दिसंबर, आप पढ़ेंगे 19 दिसंबर की डेली करंट पर। इसमें हम अगर आप मतलब सपोर्ट करोगे और मेरे 100 मतलब सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आपको हर मतलब हफ्ते की वीकली करंट अफेयर दूंगा, अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 19 दिसंबर की डेली करंट अफेयर। आज है 20 दिसंबर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री मंत्रालय के तहत, केंद्रीय केंद्रीय वाणिज्य केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत इन्होंने क्या किया, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने इनके तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन, जिसको क्या कहते हैं भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता कि जैसे कोई चीज़ अपने यहाँ पाई जाती है वो कहीं और नहीं पाई जाती है। संकेत रजिस्ट्री, GIR, ठीक है, भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री, ठीक है, जिसको GI टैग के नाम से भी जाना जाता है। GI टैग में क्या है, GI टैग में किसके, बिहार के मखानों को, बिहार के मखानों का नाम बदल दिया गया, ठीक है। कहाँ के, बिहार के मखाने, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, इसके नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मिथिला मखाना, इसका नाम बदल क्या कर दिया, मिथिला मखाना नाम कर दिया गया। किसके, जो GI टैग में बिहार का मखाना आता था उसका नाम बदल कर मिथिली मखाना कर दिया गया। यह एक विशिष्ट प्रकार की जलीय, या क्या, एक विशिष्ट जलीय, क्या, एक विशिष्ट जलीय प्रकार का जलीय फसल मखाना के नाम से जाना जाता है। एक विशिष्ट प्रकार की विशिष्ट एक विशिष्ट जलीय मखाना, यह एक विशिष्ट जलीय फसल है, जिसमें जिस जलीय फसल में इस मखाना के नाम से जाती, मखाने के नाम से जानी जाती है। इसकी पहचान, इसकी संस्कृति है, इसकी पहचान क्या है, इसकी संस्कृति है, ठीक है। भारतीय निशानेबाज, कौन है भारतीय निशानेबाज, इन्होंने क्या किया, भारतीय निशानेबाज कौन है, कौन, पहले अनिवर लिखारा, ठीक है, ये कौन है, भारतीय निशानेबाज, इन्होंने 16 दिसंबर पैरा ओलंपिक में, इन्होंने पैरा ओलंपिक जो कि कहाँ चल रहा है, जो कि जापान में, जो कि जापान के टोक्यो में चल रहा है, कहाँ पे, टोक्यो में, ठीक है। इन्होंने क्या किया वहां पे, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता, किसका, पैरा ओलंपिक टोक्यो में गेम्स 2020 में, इन्होंने 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर 2021 21 में इन्होंने क्या जीता है, पैरा ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार, कौन सा, किसका, सर्वश्रेष्ठ महिला, सर्वश्रेष्ठ महिला सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। कहाँ पे, पैरा ओलंपिक टोक्यो गेम्स में, जो कि 2020 है, मतलब 21 में, मतलब इन्होंने कितनी तारीख को जीता, 16 दिसंबर।
पेंडिंग वाले थे ना, तो पेंडिंग वाले खेल चल रहे हैं ना, उस चक्कर में 16 दिसंबर 2021 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला दर्पण से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसको मिलाकर इसे और एक और इन्होंने जीता। 50 मीटर राइफल में थ्री पोजीशन स्टैंडिंग, थ्री पोजीशन स्टैंडिंग में इन्होंने क्या जीता, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जिसको HS1 के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कांसा जीता, इसमें ये गोल्ड है और ये इन्होंने कांसा जीता है। इसको मिलाकर भारत के इतिहास में दर्ज हो गया इस बात को कि इन्होंने दो पदक जीते अभी तक के इतिहास में इस पैरा ओलंपिक में। ठीक है, कांसे को मिलाकर इन्होंने दो पदक जीते जो कि भारतीय इतिहास में लिखा गया। ठीक है, और इन्होंने कौन सा एक और पुरस्कार और जीता इन्होंने भारत में, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी, खेल रत्न पुरस्कार भी इन्होंने जीता। किसने? भारतीय निशानेबाज अविनर लेखारा ने। ठीक है, तो 19 दिसंबर को क्या बनाएगा, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, इस दिन गोवा को मुक्त किया था। ठीक है, विजय अभियान के तहत ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को मुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1961 में। किससे किया गया था? पुर्तगालियों से। ठीक है, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद किया था। गोवा ने कम एक दशक तक पुर्तगालियों ने गोवा पर एक दशक तक क्या किया था? कब्जा किया था। ठीक है, किस दिन मुक्त किया था? 19 दिसंबर को मुक्त किया था। ठीक है, एमपी के ग्वालियर क्या किया? एमपी के ग्वालियर में क्या किया? रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठाना इन्होंने क्या किया? एक नई प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? एमपी के ग्वालियर में रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान द्वारा एक नई प्रयोगशाला ग्वालियर में स्थापित की जाएगी। इस प्रयोगशाला में उन्नत जैविक, इसमें क्या रहेगा? उन्नत जैविक रक्षा अनुसंधान केंद्र का खतरनाक वायरस। अनुसंधान
ये क्या करेगा, उन्नत जैविक रक्षा अनुसंधान केंद्र खतरनाक वायरसों पर रिसर्च करेगा, ठीक है। उन इन रिसर्च में मनुष्य के ऊपर इन वायरसों का क्या प्रभाव पड़ेंगे उस चीज़ को देखेगा, ठीक है। और इसमें उनके बचाव के उपकरण, मतलब इसमें जैविक अनुसंधान के खतरनाक वायरसों और बचाव व प्रभाव, बचाव व प्रभाव पर इस चीज़ पर रिसर्च करेगा। और अभी तक की यह इसको क्या कहेंगे अपन, ए बी डी आर सी, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ए बी डी आर सी, ए बी डी आर सी को अभी तक की बायो सेफ्टी अभी तक की ए बी डी आर सी को बायो सेफ्टी लैब BSLV-4 दिया गया है, जो कि भारत में बहुत ही कम पाई जाती हैं। ये लैबें भारत में बहुत ही कम है और बहुत ही चुनिंदा क्षेत्रों में है, जिस इसी को उपलक्ष्य में एक ग्वालियर को भी देने के लिए सरकार इस चीज़ पर विचार कर रही है। और इस चीज़ को किसको, ए बी डी आर को दिया जाएगा, जिससे मनुष्य पर होने वाले वायरसों के खतरों को निवारण करने के लिए इस लैब में अनुसंधान या प्रयोग किए जाएंगे मनुष्य पर भी, और मनुष्य पर प्रभाव और बचाव के लिए इस चीज़ में देखा जाएगा, ठीक है। यूएसए की जिम्नास्टिक, एक जिम्नास्टिक है जिनका नाम क्या है, सीमोन, क्या नाम है इनका, सीमोन बाइडन बाइल्स, ये कौन है, ये यूएसए के जिम्नास्टिक हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये यूएसए के जिम्नास्ट हैं, इन्होंने इनको यूएसए के जिम्नास्ट हैं, इनको क्या किया गया, इन्होंने इनको टाइम ने टाइम 2000 टाइम के 2021 के लिए इन्हें एथलीट ऑफ द, मतलब टाइम ने इनको, टाइम एक जो कि न्यूज़पेपर है, ठीक है, एथलीट ऑफ द एयर, एथलीट ऑफ द एयर से इनको सम्मानित किया गया। इनके नाम, इनके साथ नाम सात ओलंपिक पदक हैं। ये सात ओलंपिक पदक कौन कौन से हैं, इसमें 4 गोल्ड, ठीक है, 1 रजत, 2 कांसे, कामी, सात ओलंपिक पदक जीते, जिसमें से 4 गोल्ड, 1 रजत और 2 कांसे रहे, ठीक है। और इन्हें संयुक्त विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने 32 पदक जीते, कितने, अभी तक इन्होंने संयुक्त विश्व चैंपियनशिप में अभी तक 32 पदक जीत चुके हैं ये, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट जिसको अपन आई
जिसको अपन IMDB कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट, इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉरपोरेशन सेंटर, कौन सा वर्ल्ड, वर्ल्ड वर्ल्ड कॉपीनेशन सेंटर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, विश्व प्रतिभा रैंक रिपोर्ट जारी, किसकी, विश्व प्रतिभा रैंक रिपोर्ट जारी की, कौन सी, विश्व प्रतिभा रैंक रिपोर्ट, रैंक रिपोर्ट जारी की, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 56वां स्थान पे है, कौन सा भारत, भारत किस स्थान पे, भारत 56वें स्थान पर है, ठीक है। और रैंक में यूरोप दबदबा कायम है, ये रैंक में मतलब नंबर वन पर, यूरोप किस पे, नंबर वन पे, ठीक है, इस पे यूरोप नंबर वन पे है, ठीक है। स्विट्जरलैंड ने अपने स्थान बरकरार रखा, स्विट्जरलैंड ने अपना शीर्ष स्थान मतलब ये शीर्ष से नहीं है, इसने अपना दबदबा कायम रखा है, ठीक है, ये शीर्ष स्थान पर नहीं है, मतलब ये है आगे पीछे, स्विट्जरलैंड है नंबर वन पे, स्विट्जरलैंड, इसका स्थान कौन सा, नंबर वन, ठीक है। और क्या है, मध्य पूर्वी उत्तर अफ्रीका में संयुक्त अमीरात और इजराइल इस क्षेत्र में पहले के बाद अपना दूसरा स्थान बनाया, मतलब इन्होंने शीर्ष स्थान, स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान बरकरार किया, ठीक है। इसके बाद संयुक्त रूप से कौन कौन है, मध्य अफ्रीका, मध्य पूर्वी उत्तरी अफ्रीका प्लस इजराइल प्लस यूएई, संयुक्त रूप से इसमें मध्य पूर्वी उत्तरी अफ्रीका इजराइल प्लस यूएई संयुक्त रूप से इसके पहले स्थान पर हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर इजराइल नहीं है इसमें, उत्तर मध्य पूर्वी अफ्रीका और यूएई इसमें पहले स्थान पर हैं, जिसके बाद इजराइल संयुक्त रूप से ये लोग पहले स्थान पर हैं, इसके बाद इजराइल दूसरे स्थान पर है, ठीक है। इंडियन पोस्ट, इंडियन पेमेंट, इंडियन पोस्ट पेमेंट, इन्होंने क्या किया, इंडियन, इंडिया पोस्ट पेमेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट ने नेशनल, कौन सा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने क्या किया, इंडियन पोस्टमेंट पेमेंट ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, के तहत भारतीय बिलों बिल पे के साथ समझौता किया। इन्होंने क्या किया, इंडियन पोस्ट पेमेंट ने इंडियन पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। इस समझौते में जो भारत के बिल पे होंगे वो इंडिया पोस्ट पेमेंट के
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही होंगे, ठीक है। इसमें नगद आधारित बिल भुगतान सेवा की सुविधा भी प्रदान है, मतलब इसमें आपको नगद बिल दिया जाएगा, इसमें आपको नगद बिल दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, उड़ीसा में, किसमें? उड़ीसा में, उड़ीसा में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। क्या किया इन्होंने? आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, महिलाओं को सशस्त्र और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक परियोजना, इन्होंने एक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया? एक परियोजना स्टार्ट की। इस परियोजना का क्या नाम है? लिविंग सेवा परियोजना। बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक लिविंग सेवा परियोजना स्टार्ट की। किसने? ओडिशा ने महिलाओं को सशस्त्र और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक लिविंग सेवा परियोजना की शुरुआत की, जिसमें मिशन शक्ति विभाग, जिसमें मिशन शक्ति विभाग और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, संयुक्त विकास कोष, क्या है? संयुक्त पूंजी विकास कोष के तहत इसमें कितनी महिलाओं को, कोष के तहत इस लिविंग सेवा परियोजना को शुरू किया जाएगा। इसमें क्या क्या है? इसमें इसमें 10,000 महिलाओं को नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है, ठीक है। इस अभयारण्य में क्या किया? इस अभयारण्य का क्या किया कि क्षेत्रीय भूमि को बढ़ा दिया गया, ठीक है। इस अभयारण्य की सरकार द्वारा, केंद्रीय, किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा क्या किया गया? इसकी भूमि को बढ़ा दिया गया। इसकी भूमि को 454.65 किलोमीटर स्क्वायर से 59.93 किलोमीटर स्क्वायर तक इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, जिससे जीवों को घूमने में आसानी होगी, ठीक है। जीवों को घूमने में आसानी होगी। इसको हरित स्वर्ण भी कहते हैं। इसको हरित स्वर्ण भी कहा गया। किसको? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को क्या कहा गया? इसको स्वर्ण हरित भी कहते हैं। कब कहा गया इसके स्वर्ण हरित? 1986 में, 1986 में इसको स्वर्ण हरित भी कहा गया।
फ्रेंड्स लाइक और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए, आगे आपको इसमें साइंस और अभी NTPC और जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनके लिए, रिजल्ट निकलने के बाद आपको इस चीज़ के ऊपर पढ़ाया जाएगा, उसको और अच्छे डिक्लेरेशन किया जाएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो आपको आगे चल के इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और आगे रिवॉर्ड भी मिलेंगे।